कोई पहलवान अंदर आना चाहते। कितने आदमी हो तुम? छह आदमी है। छह? मुझे तो आप एक दिखाई दे रहे हो। गिनो। गिनाओ। कोई सज्जन? एक। कोई कदरदान? दो। कोई नौजवान? तीन। कोई श्रीमान? चार। कोई पहलवान? पांच। छठ में हम खड़े, ये घड़े छठ। ठीक है, इधर आ जाओ। हो गए छह? हो गए छह। महाराज के जीवन की जय जय हो। प्रसन्न रहो सेनापति। महाराज बोलो, कोई श्रीमान आपसे मिलना चाहते हैं? कोई श्रीमान आपसे मिलना चाहते हैं? तो उन्हें आदर के सहित अंदर बुलाया जाए। जी जी, चलिए श्रीमान जी। कहाँ चले जी? आपको आदर सहित अंदर बुलाया है। अच्छा, हमें अदरक सहित अंदर बुलाया है। क्यों? अदरक ले चले और सहित ले चले? नहीं, दवा बनाएंगे? कोई दवा? दवा नहीं, सम्मान सहित बुलाया है। सामान है तो मैं घर भूल आया सब। आप हमारे साथ चलिए। चलो आइए। महाराज के जीवन की जय हो। प्रसन्न रहो। मैं आपके कौन, कहां से आए हो, कौन हो? भैया कितनी उम्र है इनकी? इनकी उम्र है कोई 70 साल की उम्र है। मरे था बाट देखिए। क्या बात है? हो तेरी बहन के दूर है भाग। बुढ़ापा है ये जो कौन? यही महाराज है? कोई और है? यही है। कोई लड़का वड़का नहीं है? नहीं, नहीं। पत्थर लाए हम महाराज में आपके पास। पत्थर लाए हो? पत्थर सुने भी ना है। जो कह रहे पत्थर लाए हो, क्या कह रहे हो? पत्थर कह रहे, पत्थर लाए हो, पचाव कर ले भाता ही। क्या कैसी खांसी है भैया? ये है कैसी खांसी है, सर्दी की या जुकाम की? ये उम्र दराज है, खांसी तो उठती है, होती रहती है महाराज। हाँ, ये पत्र है। अच्छा, पत्र लाए हो? अच्छा, चिट्ठी। चिट्ठी? खत? 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 खत नहीं है, यूरिया छोड़ो भात है, देख लियो पे। हाँ, क्या है? देखो इसमें लिखा है जी, लिखते हैं जनामन कद्दूखा वालदा चौरे साकिन करेला जिला कठहर का रहने वाला हूँ। वादा करता हूँ, जो ककड़ी ने खीरे खां से कर्जा लिया है उसमें आलू बैंगन, माफ करना है तो सब्जियों का पर्चा, सब्जियों का पर्चा लिख सुना दिया मैंने। अच्छा, एक हस्ता लाया था मैं और एक का। अरे चश्मे निकालो, चश्मे, चश्मा है तुम्हारे पास? और शीशा साफ कर लो पहले। हेलो, अब इसमें शीशा तो है ही नहीं। शीशा नहीं लगता हूँ। क्यों? आंखों को हवा नहीं लगेगी फिर। आ मिल गया, मिल गया ये। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें लिखा है जी, जी श्री श्री श्रीमान जी, वाह हम आपके बड़े आभारी हैं जी। लड़की का स्वयंवर है तारीख 82 को। नजर से देखो 82 है, 62 है, 62 नहीं, अरे 62 तारीख नहीं हुआ करती है तो ये बेहतर होगी। क्या बात हो? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। तारीख बार है क्या है? हाँ तारीख जो है तो, अरे दोनों ही है, 22 है। 22 है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा हाँ, 22 तारीख 22 का स्वयंवर है। हाँ, छठी है, 150 गज नीचे तेल का कढ़ा रखा है। हाँ, और ऊपर मछली है। अच्छा, आप उसमें निशाना लगाएंगे तेल में, ऊपर मछली को मारेंगे। बस आकर के लड़की जब तुम मछली को मार देंगे, स्वयंवर में आकर के लड़की जयमाला डाल देगी। अच्छा, खत लिखना, खता मारू और बार बार से मर गए जीने से मर गए। मेहरबान करना दान, आगे हथकड़ी पीछे चालान। ये मतलब? इसका मतलब ये, आगे हथकड़ी पीछे चालान क्या क्या मतलब है? मेहरबान कदरदान जी, आप हमारी बात की मेहरबानी करके हमारे ऊपर
बुढ़ापा है क्या कर रहा है क्या? इसमें लिखा है जी लड़की जब मछली को मार देंगे स्वयंवर में आकर के जयमाला डाल देगी। अच्छा शर्त होगी। आपका तो पीर है। हाँ 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 बुढ़ापा तो है। चल जा तो पीर और नहीं तो कुक्का तो है। तो है आप देखेंगे बैठे। इसलिए तुम्हारा नाम? मेरा नाम है जीजा। जीजा 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 हाँ जी जीजा साले साल क्या बातें हो? ये जीजा तुम्हारा ये अटपटा नाम किसने रखा? जीजा नाम है मेरा साले साहब। ए जीजा नाम तुम्हारा ऐसा किसने रखा? मेरी माँ ने रखा था। क्यों? मेरी माँ पे हुए थे तीन बच्चे एकदम एकदम नहीं अलग अलग वो तीनों बच्चे मौत के मुंह में चले गए जी। अब चौथे हम हुए। चौथे आप? जब मैं 6-7 महीने का था मुझे नीला दुला करके आंचल से लगा रखा था वाह और सर पे हाथ फुला के कह रही थी बेटा तीनों के तीनों मौत के मुंह में चले गए अब कम से कम तू तो जी जा। वाह 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 वाह। तो आज से हम तुम्हारा नाम जीजा नाम को बदल के अपनी ही बुद्धि से हम रखते हैं श्रीधर। श्रीधर श्री श्रीधर ठीक है महाराज। ठीक है ना? आज से हम यहाँ भी और वहाँ भी आप तुम्हारा यही चलता रहे। यहाँ भी और वहाँ भी। वहाँ भी और वहाँ भी। हाँ तीनों जगह चलता रहे। ठीक ठीक है महाराज। जल्दी करना ऐसा है सेनापति जी इन्हें मेहमान खाने में ले जाओ। कमाल कर दिया। मेहमान खाने भेज रहे हैं? नहीं नहीं मेहमान खाए जाएंगे वहाँ। अरे कुछ नहीं और बाहर से जो अतिथि आता है उसे मेहमान कहते हैं। ओहो हम तुम्हारे मेहमान हैं। हाँ तो 1 रुपया दे और विदा कर दो। चलिए जल्दी आना। ठीक है हम रानी से मशवरा करते हैं। जल्दी आना स्वयं में ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ कहाँ की तैयारी हो गई आज तो बड़े बनठन के जा रहे हो। तुमको अच्छे लग रहे हैं? अरे हमको अच्छे लग रहे हैं पूरे ही अच्छे लग रहे हो पूरे और क्या। तो हम भी प्रसन्न हुए जब हम अच्छे लग रहे हैं। और जो हमारी तैयारी है जाने की कहाँ की हम आपको बता सकते हैं। अच्छा हाँ जी की आई जा
सारी कहां गबन की प्राणपति भूपति अपने कह दो अपने मन। वाह 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 वाह, ये आश्चर्य में पड़ गई कि कहां जा रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं पड़ेंगे। कुसुम कुसुम नगर से रखत पढ़ते ही जगाता। अच्छा, एकदम जल्दी आ रही होगी तुम्हें। मेरा खत पढ़ते ही जगाता और ये दिल बीच भरी है और छत्रपति के मान मार फूलन नहीं पाऊंगा भरी है। Ha ha ha!
साहों का सरताज सरताज बना दुनिया की दरगाह। तुम कुछ नहीं करोगे, अपना सब मट्टी खराब कराओगे। अच्छा, और क्या? ए बुढ़ापे में आपको शादी करनी चाहिए? अरे कोई बुढ़ापा थोड़ी है तो? अरे मैंने आपसे कह दिया ना, जो खत में पढ़ा और उसके खत पढ़ते ही जगह का मेरा काम जब गया, मुझे जाने की कोशिश कर रहा हूँ और पहुंचूंगा जरूर। जाओगे जरूर? हाँ, तो ये कह रहे ना जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्यों ऐसी क्या बात? कहीं माना है, मुझे जाना जरूर है, लग जाए तो तीर है नहीं तुक्का तो है ही। और पूरे पन में फजीयत था मराज पूत छा
बहुत दिन बाद अपने बेटे, तुम्हारा बेटा शादी हो क्यों गया है? तो क्या हुआ? तुम्हें मालूम है अपने बेटा की शादी करो कि भगवान कृष्ण का नाम तुमने सुना होगा? सुनाए। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। तो तुमको ही भगवान तो भगवान हो क्या? थोड़ा थोड़ा अंश तो भगवान का ही है ना। वो झेल लेंगे, आप बड़ी झेलेगी। जाना है। और जो पंजाब से वो आए हैं ना, जो श्रीधर, वो भी आए हैं, उन्हें पूछेंगे। और क्या कहना चाहते हैं बताओ? हम तो हाथ जोड़ के आपको समझा रहे हैं, आप माने या नहीं माने। हाथ तो भोले बाबा के जोड़ो ना, मुझसे क्या जोड़ रही हो? अरे भोले बाबा के तो जोड़ ही रहे हैं, पर आप भोले बाबा से जिद तुम कर रहे हो ना, खाक में सब बेइज्जती कराने के लिए। क्या बात करते हो? हमारी कहा मानो राजा जी, हमारा कहा मानो राजा जी, हमारे कहा मानो राजा जी, हमारा कहना मानो राजा जी। ये बताओ तुम्हारे लिए ये खत किसने दिया? ये पतला थे श्रीधर। श्रीधर? हाँ। बुलाओ श्रीधर को। श्रीधर आओ। हाँ, ये क्या नमस्कार इस तरीके से? जो कह रही है भुस, भुस में रहो। आशीर्वाद दे रही तुम्हें? जो कह रही है भुस में रहो। नहीं नहीं, 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 नहीं,
गर्मी में जागो खुश में। ये कहा खुश रहो। खुश जी जी। तो यहाँ तो मामला ही सब बदल गया। क्या बात हो गई? बीज बुक गया। कौन सा बीज बुक गया? वैरायटी है कोई? नहीं नहीं वो बात नहीं है। और कौन सा बीज है? वो रानी जाने के लिए मने कर रही है। जाने के लिए? हाँ वो कह रही है कि तुम्हारी उम्र नहीं है जाने की। ये तो बारा सही है। क्यों? आपकी उम्र नहीं है शादी करने की। हाँ और ये मने कर रही है तो आपको नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए। हाँ हाँ नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए नहीं? अच्छा अच्छा जाना चाहिए। हाँ जाना चाहिए। जाना और क्या? नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए। जाना चाहिए। आप इस उम्र में इनको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए जी? इस उम्र में? हाँ इस उम्र में घर जाओ तेल लगाओ फिर। समय देख लो उम्र देख लो इनकी। सतीश चौहान बाकनेर निवासी उनकी तरफ से 5100 रुपए का पुण्यदान बाबा भोले के निर्माण हेतु दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपए का पुरस्कार राष्ट्र हास्य सम्राट हास्य कलाकार चौधरी धर्मपाल जी के लिए एवं उनका समस्त कलाकारों के लिए दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपए का दान हमारे बाई बाबा के लिए दोनों हमारे लोगों को भरे जाएंगे भीतर। कैसे निकलेंगे? कैसे हम भीतर भरोगे हमें? कैसे हाँ, ऐसे नहीं निकलते। ठीक महाराज आप अपनी तैयारी करिए। मीन ठंडा हो जाएगा फिर क्या करेंगे? ठंडा हो जाएगा। चलो चलते हैं। आओ आइए चलो। Thank you.
आ गए सचपति आ गए। ठीक है इसको आसन दिया जाए, बैठ जाइए। आपने बैठ जाइए, कुछ नहीं दिया तो मैं ललकार रहे हो। जो कह रहे बैठ जाइए महाराज, बैठिए आसन। हाँ हाँ ये आइए महाराज, ये संपत्ति महाराज है। अच्छा संपत्ति नरेश और राजा लोग और भी आ रहे हैं, और भी आ रहे हैं। हाँ जी ठीक है आने दो। आप कहाँ के राजा हैं जी? हम कर्नाटक के हैं। कहाँ के? कर्नाटक के राजा जयसिंह। कर्नाटक के राजा जयसिंह जी हाँ। ठीक है महाराज, तो आप यहाँ किस लिए आए हैं इतनी दूर से? महाराज फूल चक्र का हमारे पास यह निमंत्रण पहुंचा था, स्वयंवर के लिए आए हैं। स्वयंवर के लिए आए हैं, मछली मारेंगे। कोशिश कर सकते हैं मछली मारने की, स्वयंवर देखने के आए हम तो। ठीक है बैठ जाए और राजा रहे। विकलांग कहाँ से आ रहे हो भैया? कहाँ से आ रहे हो? क्या बात? कहाँ से आए हो महाराज? ये हम डोंगापुर के पोंगा राजा हैं। डोंगापुर के पोंगा राजा। तो तुम्हारा तो पास बन रहा होगा वहाँ का रोडवेज का? हाँ विकलांग नहीं हवाई जहाज का भी पास है, अपने आप ही आते हैं। हाँ तो यहाँ कैसे पधारे महाराज विकलांग जी? ये आपका लव लेटर गया था हमारे पास। ये क्या कर रहे हैं? उसमें लिखा था क्या आप आए पोंगा जी? पोंगा जी आए और हमारी लड़की को ले जाए शकल दिखाने। बस बस शकल दिखाने में लड़की ले जाओगे और क्या? तो फिर ऐसा करिए, ऐसा शकल देख लो अंदर जाओ। क्यों? या तो ये शर्त है क्या? जो कोई भी राजा इस मछली को मारेगा तीन कहने पर, एक दो तीन कहने पर। अच्छा और जब मछली मर गई तो लड़की आएगी या स्वयंवर में माला डाल देगी, जब देख लेना। तो पहले माला डलवा दो या मार देंगे? पहले माला डलवाना भाषा ही, फिर खूब मारेंगे, कई कई बार मारेंगे, खूब मारेंगे मीरे। हाँ देख लो बात है, पंखा चल रहा है ऐसे सुनिए भाई साहब। हाँ इधर आइए। कोई कोई पौआ पौआ है क्या आपके पास? पौआ? वाह भैया लगवा पौआ नहीं तो आप दाल आ गए। पौआ हुआ या कुछ नहीं है? बोतल बोतल या तो केला मिल सका? केला ले ले। केला नहीं खाता, केला नहीं। तो अंदर जाओ पौआ ले ले। हाँ मारो मछली मारोगे देख लो पास मारे। हाँ मारो दिखाई नहीं दे रही मछली, बिना ही खत्म हो गई है, दिखाई नहीं दे रही। मछली नहीं दिखाई दे रही है तो मारोगे कैसे? बिना देखे मार देंगे हम तो। चलो अंदर चलो। मंत्रीवार ये मछली हमसे नहीं मरेगी। क्यों नहीं मरेगी? क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, अब उम्र हमारी काफी हो चुकी है। निशाना लगाइए। चलो करते हैं कोशिश। ताकत का काम नहीं है निशाना है। हमारे
हमारी बस की बात नहीं है। हम किसे कहे दर्शालिए, आज हमें ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से। ये कैसे कह दिया तुमने? नहीं लाला, पृथ्वी वीरों से खाली हो जाएंगे तो क्या होगा? सब राजा बलियन हो गए। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। क्या हुआ? करंट बन रहा महाराज, बैठो करंट के अभी तो लगाइए निशाना। लगाए अल्लाह मुक्तार सामने से हट जाओ। महाराज बुलाओ लड़की को। अब लड़की है बुलाओ, लड़की का तो जीवन ही खराब हो गया। अरे थकान से भर देगो सब है। मंत्री बाब महाराज अपना कुछ दहेज बहेज तो सुना दो। हाँ दहेज सुना रहा हूँ, लड़की बुलाओ। कोई लड़का नहीं है आधाराज। कोई लड़का नहीं है आधाराज। अच्छा, 1000 गऊ, 1000 घोड़े, 1000 हाथी, 1000 गधे। गधे? हाँ, गधे में क्या होगा? सामान लद के जाएगा। अच्छा अच्छा। और महाराज एक बांदी और एक बांदा। वाह वाह वाह। बांदी महाराज राजकुमारी की सेवा करेगी और बांदा, और बांदा तुम्हारी खकार सवार। चुप रहो यहाँ। अच्छा जी, अभी चुप। दांत ले भाटाई, दांत अन्य समार, दांत अन्य समार नहीं पूर्ण खुल जाए। और मेरी तरफ से महाराज 100 मन गेहूं, 2 बांस, 1 कर्शियम पानी, 5 सफेद कपड़ा, 5 गज, 5 गज सफेद कपड़ा, और थोड़े से गुलाब के फूले, और 1 किलोली कंदाएं, 1 किलोली और मखाने का चूपर गिरेंगे जो, और 1 किलोली कंदा जी, ये आपके लिए दिए जाते हैं महाराज। दहेज तो तुम ये दहेज दे रहे हो, और मेरे अर्थी का सामान दे रहे हो? नहीं नहीं, आपकी सेना खाने में। तुमने भी सही किया है कि आखिर में यही काम आता है, यही जाता है, खाना बनाने बनाने की सेना। अच्छा, क्या बात। चलिए विदाई।
आप तो चला जाए शहर के लिए, श्रीधर चले आओ। चलिए महाराज चले। हमारा नगर आ चुका है और बांदी से कहें वो रानी से कहेंगे कैसे कि वो नगर आ चुका है, बड़ी रानी उनके लिए आरता लिए खड़ी है स्वागत के लिए महलों में। हाँ डोली से उतर जाए, डोली से उतरे महलों में जाए। हाँ 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 बड़ी रानी आरता लिए खड़ी है उसको स्वागत कर। अच्छा नाश्ता लेके खड़ी है? नाश्ता नहीं, दीपक लिए थाली। अच्छा आरता, आरता जिसको कहते हैं। बादी बादा जय हो भगवान, मैं कौन से महीना मरूंगो भाई? अभी नहीं मरोगे तुम? अभी ना मरूं अभी तो। बादी हाँ महाराज के महल आ गए। अच्छा अब राजकुमारी से कहो डोला से उतरे बड़ी रानी पूरन मल की माँ, वो आरता लेके खड़ी है, वो सम्मान करेंगी और इन्हें अंदर भेजो। अभी बुलाती हूँ रानी साहब। क्या है बादी? डोले से नीचे उतरिए। क्यों? अरे बड़ी रानी आरता लिए खड़ी है आपके लिए। बड़ी रानी आरता लिए खड़ी? हाँ। क्या महाराज की और भी शादी हो चुकी है बादी? हाँ हो गई है। क्या तुम्हारे लिए बैठे हैं अभी भी? हम डोले से नीचे नहीं उतरे। क्यों? महाराज को ही बुलाकर कहिए बादी क्या बात है, बुलाया मुझे? महाराज बोलो, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अभी से? हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हैं? कदम नहीं सी
काशी को बतला दी। रानी वो तो हम मानते हैं कि 100 चून की भी बुरी होती है। हाँ वारा। लेकिन एक प्याल में दो तलवारें नहीं समा सकते। लेकिन वो रानी अम्मा दे है ना, बड़ी सुशील स्वभाव की है। कितनी भी सुशील स्वभाव की, जैसे बोलोगे तो फूल झड़ते हैं। नहीं मुझे भेद, अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो मेरा डोला वापस कर। नहीं 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 ऐसा नहीं, बंदोबस्त करा देते हैं। मुझे फूल नहीं चाहिए। और कांटे हैं वो। ओ अच्छा, हाँ वो तो कहा 100 चून की बुरी होती है। श्रीधर क्या झगड़ा है, मामला और भी आगे बढ़ता जा रहा है। और बढ़ गया क्या? हाँ क्या हो गया? हुआ क्या है कि वो फूलंदे रानी है ना, वो बड़ी रानी के महलों में उतरना नहीं चाह रही, नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहती। समस्या खड़ी हो गई। ये तुम्हारा धाएजन कहा जाए, या को नाम है धाए, धाए जन कहा जाए। वाह वाह वाह। तो आप बताइए ये महल कहाँ से बनवाए जाए? महल तो महाराज बहुत दिन लगेंगे बनने। कितने दिन? कम से कम लगेंगे 5 साल। देखो मैं मुझे कोठी नहीं बनवानी, 5 साल बनेंगे। 5 साल में कोठी बनती है? मुझे तो महल चाहिए छोटे छोटे वाले। हाँ मतलब उसी में सब साधन हो, सब साधन हो तो 1 साल लग जाए। नहीं, 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 बहुत कम समय में। और कम है? और कम 6 महीने। ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा। हाँ तो जादू का बना सकता हूँ। जादू मेहरबान वो देखने का है। अच्छा बचने का नहीं है। नहीं मगर आप लोग कमाल मानेंगे, 24 घंटा ने महल बना के दिखा दिया जादू का। जादू का कितनी देर में बन जाएगा? मैं कुल ऐसे लगेंगे 15 मिनट। वाह 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 वाह। मैं गया था बंगाल। अच्छा 5 रोज का प्रोग्राम था जी, जहाँ हम लोग रुके थे। हाँ ये सरकारी प्रोग्राम था हमारा। सरकारी प्रोग्राम में गए थे आप ही तो है ना सब। हाँ 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 वो तो ठीक है। हाँ सरकारी प्रोग्राम में गए। हाँ बूढ़ी माँ मुझसे कभी तोता बना दे, कभी गिलगिला बना दे, और कभी उसे चूहा बना दे। चूहा एक ही को। अच्छा 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 अच्छा। और कभी उसको वो बना दे डमरू, डम 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 बाद भाजन लगे। अच्छा अच्छा। मैं देख रहा था मैया ये तो बड़ा अच्छा काम है, और मैं मंच पे काम करता हूँ। हाँ मेरी पार्टी चलती है चौधरी धर्मपाल के नाम से। ठीक तो फिर आप ऐसा करें मुझे दो हाथ से कहा दे, बेटा दिन लगेंगे तो मैं यहाँ रहना पड़ेगा, और मेरी तबीयत आ गई तो यही रखूंगी। हाँ वो काम काम पसंद आ गया ना। हाँ हाँ। तो उसने मुझे दो हाथ बताए, एक तो महल बनाने का, अब और तो रहने दो महल ही बना लो। हाँ नक्शा ये क्या, ये क्या हो रहा है? ये बोर हो रहा है, पानी नहीं चाहिएगा। अच्छा अच्छा समर्पित करोगे? वाह 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 वाह। पानी आ गया चालू। अब देखिए मेहरबानो कदरदानो नौजवानो श्रीमानो, आपके हाथ मेरी लाज है। और देखिए जिस भाई का बुरी जगह हाथ रखा हुआ अपना अलग अलग कर ले, जादू नहीं चलेगा। और जिस पे जादू आता हो वो काट कर देना भैया, मेरे पेट का सवाल है, मैं इसी से बच्चे पाल रहा हूँ। 3 कहने पर आप लोग सब ताली बजाएंगे, टोपी मेरे सर पे आ जाएगी तो आप देखेंगे नीला नीले रंग का महल इसी जगह आ जाएगा।
आप देखने का है वो, आप ये कहेंगे धर्मपाल जी ने कमाल उड़ा दिया। तो सुमरु जल थल वैदी के पौड़ बवाले ले सबसे सिर पर जल जला गुमी चला तमान तेरी जोत प्रजन्मो ज्वाला मुखी कीरत तीन लोक रजानी चंद्र लला बिंती जो करे उजरेगा फेर बसा बमानी। तो सुमरु बन चैन कोड़ी को काया दैया निर्वाद एक दो तीन तो श्रीधर ये पटर पटर क्या हो रही है? ये छत पीट रहे छत मजदूर लोग छत पीट रहे वाह वाह वाह। अब ना बादी बादा महाराज अंदर आ रहे हैं और बादी राजकुमारी से कहो अंदर जाए और महाराज आ रहे हैं इनके बाद ही। अच्छा हाँ आओ महाराज इधर आ आज हमारी कौन सी रात है तुम बताओ कौन सी रात है? अरे भैया बुढ़ापे का याद आई है कौन सी रात है तुम्हारी मौका मानो मेरे तो कभी रात आई ना। देखिए कोई बात नहीं तुम नहीं जानते तुम अनपढ़ आदमी चलो बात है हाथ तो कर रहा है तुम्हारा हाँ ऐसे जानो जैसे ज्वार को फर रहा है। इधर आओ वहां कहां जा रही हो? तेरे होठों के मुकाबले गुलाब क्या होगा? तेरे होठों के मुकाबले गुलाब क्या होगा? जब तुम घूंघट में लाजवाब लगती हो तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तो क्या होगा? आप घूंघट की बात कर रही हो और हम खोलेंगे जरूर ये रूम से पर्दा हटा दीजिए
स्वास्थ्य कुछ ढीला ढाला सा हो गया। श्वास भूल गया शरीर इतना। महाराज तुम्हारा शरीर ही कमजोर है। अब बुड्ढा है, बुड्ढा शरीर है वो तो ठीक है, भाता ही चरम बैठ गया। अब ऐसा है, अब तो हम होली दिवाली आया करेंगे कभी कभी, कोई बात नहीं। भगवान ने चाहिए अब तुम आओगे। बांदी हमारा तो भागी फूट गया। क्या हो गया? महाराज तो बूढ़े। अच्छा बांदी, महाराज की ऐसी हालियत क्यों हो गई? क्यों हो गई? महाराज की हो गई, अरे कुल ताकत तू बेबाकी, अरे सिर्फ हंसी के और कुछ बांदी भूल रही ना।
एक बात बता क्या तेरे बांदा तो खूजवान जवान मेरा बांदा तो जवान है तुम्हें मिला है बुड्ढा रानी साहब मुझे तो 16 साल का मिला है तेरा बांदा 16 साल का है और तुम्हारे बिल्कुल बुड्ढे मेरा और मेरे वाला 100 साल के है 100 साल के मेरे 100 साल के हाँ तेरा 16 साल का आपका तो भागी फूट गया कोने की रात दुख दाई हो बहुत दुख लगया हाय भैया कोने की रात दुख दाई हो सैया ही मिले ना तोरे कोने की रात दुख दाई हो सैया ही मिले ना पार्टी के मैनेजर साहब हरिओम शर्मा जी जो हमारे मंच पे जो आज नकारा बजा रहे हैं उस्ताद सतवीर सिंह गोमत निवासी इनके लिए 101 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं सतवीर सिंह उस्ताद के लिए धन्यवाद बुद्धा पंडित जी मूझ खेड़ा वाले 1,100 रुपए का पुरस्कार या दान दे रहे हैं बुद्धा पंडित जी मूझ खेड़ा वाले धन्यवाद बादी शादी होती है तो इसलिए थोड़ी होती है कि महाराज बूढ़े हैं चले गए चले गए Thank you.
चलते चलो अब किसी ऊंची अटारी में बैठ के कोई अच्छा से नौजवान पट्टा देखे। हाँ, अरे बढ़िया सी चाय बना, चाय बढ़िया सी। कुमार साहब जय गुरु गोरखनाथ की। जय गुरु गोरखनाथ की। मेहताब कहिए क्या विचार है। इंसान को हर समय भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रामायण में भी लिखा गया है, राम नाम अमृत का प्याला अमर हो गया पीने वाला। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। राम नाम अति मीठा है, भगवान का नाम बहुत मीठा है। श्री राम नाम अति मीठा है, कोई गाके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गाके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला। आ जाते हैं राम अगर कोई होए बुलाने वाला। आ जाते हैं राम अगर कोई होए बुलाने वाला। आ जाते हैं राम होए कोई मोल लगाने वाला। बिक जाते हैं राम होए कोई मोल चुकाने वाला। भगवान भगवान केवल भाव से भीगे होते हैं। बिक जाते हैं राम होए कोई बोल चुकाने वाला। कोई जोहरी आके बोल लगा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई आके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हमारा विचार क्या है? क्या विचार है आपका? घोड़े को सजवाइए, और सुने महताब मेरे
चरण मात के भैया नित नियम कर आ भाई पूरन जी, तुम्हारे मन की जो बात है, मात पिता के दर्शन करने जरूरी है, जरूरी है, करते हैं माता जी के दर्शन। चलिए कुमार साहब, जय गुरु गोरखनाथ की, जय गुरु गोरखनाथ की। आपकी तारीख तारीख बेहतर है आज, तारीख बेहतर है। हाँ, तुम्हारा परिचय क्या है? पर्चा में भूल आया, अभी तक ऑफिस में जा रहा पर्चा। तुम कौन हो या किस लिए आए हो, हमारा रास्ता क्यों रोका है? अच्छा, यानी मेरा नाम क्या है? बेशक यही तो पूछ रहे हैं आप। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है दहेजुआ। दहेजुआ? दहेजुआ किस बात का? दहेजुआ इस बात का, जो कुमार साहब है उनके पिताजी शादी करके लाए हैं, मैं दहेज मिलाऊंगा। अच्छा, महाराज की दूसरी शादी हो चुकी है, तुम दहेज में आए हो, तो हमारा रास्ता रोकने का कारण क्या है तुम्हारा? हम माताजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आप माताजी के दर्शन करने जा रहे हैं? हाँ। और मेरे कहने से आप मौसी जी के दर्शन करिए ना। मौसी जी तो हमें जानती भी नहीं। अरे मौसी माता के समान होती है। हाँ, रही जान रही बात, मैं बताऊंगा, मेरे साथ चलो। ठीक है, चलिए हमारा पर्चा करवा दे। आओ चलो, मैं पर्चा दिला दूंगा, पर्चा दिला दूंगा तुम। मेरी दुकान है, श्री राज सब्जी रख देता हूँ, बैंगन फैंगन रख देता हूँ। हाँ मौसी जी बताइए, कौन सी है मौसी? बताओ। हाँ, ध्यान से सुनना। हाँ, नहीं समझे, फिर देख लो गौर से। ए ना समझे? नहीं समझे? समझ गए। क्या? यानी जो श्रृंगार करे कुर्सी पे विराजमान है, हाँ, वो कुमार साहब की मौसी है, हमारी मौसी। और ये दूसरी वाली? हाँ, ये कौन है? ए अच्छा, ये आपकी मौसी है? कमाल कर दिया, कमाल कर। क्यों? तमाम मौसम खराब कर दिया आपने। क्या होगा? ये मेरी सब्जी की दुकान है। ठीक है, तो कभी बैंगन फैंगन रख देता हूँ। हमें दुकान करने दो, तुम दुकान करो, हम दर्शन करते हैं। हाँ, दर्शन कर।
Yeah.
दिलो जान से भाई मुझे मिला दे उस घोड़े वाले वो भी घोड़े पर सवार होके आए थे। हाँ। इससे मेरी दो बातें करा रही। अरे रानी साहब वो तो आपका बेटा है। क्या कह रही है? हाँ, आपका बेटा है। तू पागल तो नहीं हो? पागल मैं नहीं हूँ। तूने कुछ नशा कर रखा है? कुछ नशा नहीं कर रखा है। पागल मैं इसलिए कह रही हूँ तुझसे, कल मेरी शादी होके आई है। हाँ। आज इतना बड़ा बेटा हो गया। आपकी सौत का बेटा होगा किसी सौत सौत का तुकली वाला। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? मुझसे इतना बड़ा पाप क्यों करवा रही हो? अच्छा। हाँ। सच कहते हैं कि सीधी उंगलियों से घी कभी नहीं निकलता। टेढ़ी करनी पड़ेगी बांधी। तू तो जाएगी और बच भी जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी। मैं देखती हूँ कैसे नहीं जाएगी। ठीक है। अरे रानी साहब आपकी सेवा करती है तो ये नहीं आप गाली दो मुझे। गाली? अभी तो गाली दे रही, तेरी पूजा करूंगा फिर। मैं नहीं जाऊंगी। ओ छाती ना छिना लाती ना उसी गुल हजार
हमारे शिष्यों की साक्षी इस बात को, कब से आ रहा हूँ और कब से आपकी बस्ती में मैं नमक पानी खा रहा हूँ। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि बस्तला में आपके दर्शन होते भोले बाबा की कृपा से, तो जो भी दे सके आप भैया रे, सीमेंट दे, बजरी दे, काट दे, पत्थर दे, अरे लाली और का छुरा बने तो तुम ईट ही दे। वैसे आपने खूब तरक्की की है भोले बाबा की कृपा से, बहुत ही अच्छी अब के मैं कई साल में आया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंवर साहब आइए, मैं भी खेलूंगा आज आपके सामने। आप भी खेलोगे? डालो, पहले कुंवर साहब डालेंगे, बैठ जाइए बैठ जाइए, हाँ बैठ के डालो और क्या बोले, फोन ले लो, कुमार सामने आई बांदा को खाई। आई क्या कर रही है? तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रही क्या कर रही है? कुमार साहब में आई और बांदा को खाई, ये मेरा नाश्ता करेगी ये तो। कुमार साहब मैं आई बांदा को खाई, आज बांदा को कच्चा चबाऊंगी। हाँ भूलेगी ना, अपना नाश्ता करूंगी मैं।
श्रीधर एक हड्डी तो मेरी ऐसे सब चलेगी ना। श्रीधर हम क्या कह रहे हैं, ये जतियों का बगीचा है, जतियों का हाँ वो खोखा पे तो काले लेगी, क्यों चुड़ैल है चुड़ैल वो जती जती के ऊपर ही सवार है जाएगी, कुछ नहीं होगा। ये साधुओं का बगीचा है, साधुओं का हाँ, यहाँ भूत पिशाच कोई नहीं आता है, साधु माधु सातमा है, साधु महात्मा कहते हैं, माधु सातमा हाँ, तुम साधु है या महात्मा है, क्या महात्मा साधु साधु महात्मा हाँ। अगर कोई जंगली जानवर हो तो इस तलवार से उसका प्रहार कर देना, तलवार ले जाओ हाँ, भूतनी हुई तो हनुमान चालीसा का पाठ कर देना, हनुमान चालीसा हाँ ठीक है जाओ। बोल भोले बाबा की जय हो भगवान, जय हनुमान ज्ञान गुरुसार, श्री गुरु चरण सरोज रज निज वर मुकुर सुधार, वर्णो रघुबल बिल। ओ कुमार साहब ओ ये हनुमान चालीसा चढ़ गई, ओ कोने शाबाश तो मेरी दुकान है, कौन ने बांधी नहीं मेरे घर से, ओहो बता दो हुक्म दो, बता दो हुक्म दो, सरकार कर जाने जहां रख दे, मगर ये बल बने जो शेर मोहब्बत के कहां रख दे, बहाकर खून का दरिया मेरी हटार जा रख दे, कोई शक मोहब्बत आप मेरे इम्तिहा कर दे, क्षमा जलती है क्षमा जलती है महफिल में तो खुश होता है परवाना, कयामत तक ना भूलूंगा तेरा हंस के निपट जा, जरा नैना से नैना नैना जरा नैना से नैना मिला जाइयो ये
तुम्हारे पास सौभाग्य राजा कछु ना रहे हो ना रहे हो। फिर मैं एक तरकीब बताऊं, बताओ। तुम्हारे पास ऐसी चीज है कि तुम्हारे जो हार गए धन दौलत सब वापस आ जाएगी। अच्छा मामा क्या है वो? खेल गए दोनों, बुरी है चूहा की बीमारी। अरे रो भाई रो पीनारी। मामा ने द्रौपदी को रखवा दिया दरबार। और रो रही है द्रौपदी, क्या कह रही है? मेरी लाज बचा जइयो को भी बंद करिए आप, मगर उनको तो लाभ है वो बंद नहीं करेंगे। वो क्या है? पूरी है दारू की बीमारी। जाते नाश हो ये बड़ो भारी। क्या पूरी है दारू की बीमारी? जाते नाश हो ये बड़ो भारी। ये पीने नर और नारी, धर्म पाले सब जाए जाइयो। कैसे आई है बानी? मैं कुमार साहब से मिलने आई हूँ। अच्छा, कुमार साहब से? कुमार साहब ये मेरे घर से आई है और बात करो। क्या बात है मुझे समझा, मैं समझाऊंगा। मौसी जी बीमार है। तुम्हारी मौसी बीमार है, बादी कहती है। का क्या बीमारी है? बांदा, कितनी बार समझाऊं? पेट में दर्द है। ओ मीठो मीठो दर्द। मीठा मीठा दर्द हो रहा है। समझ गए कुमार साहब, अब बात कर लो। तुम्हारी मौसी बीमार है। हाँ। और तुमको बुलाया है श्रीधर। अपने यार मेहताब से सलाम मशवरा करते हैं। आप अपने यार से बात कर लो और मैं बांदी ले जाऊंगा, तासन से खिला लो। तासन से? अभी तक तास खेल ले। ठीक है जाओ। आँख में छोड़ी आप जाओ। देख आँख में छोड़ी खेलेंगे भीतर। मैं तेरी आँखें न बांध दूंगा, तू लठिया पहचान रही हो। कैसी बात है यार मेहताब? कहिए कुमार साहब, जब से बांदी आई है आप कुछ बेचैन से नजर हो रहे हैं। बेचैनी का विषय है। क्या बात है, क्या कारण है? बांदी की सुन दास्तां, बांदी की सुन बद पे भैया मुझे नहीं सुहाती है।
बांधी की बातों का विश्वास मेरी भर भर आवे छाती है और इस दम दम पर तब तबीयत भैया गम में गोते खाती है। एक तू बांधी सख्त दरार ये एक तू बांधी सख्त दरार मेरी मासी के बतलाती है मेरी दूजी माई आंख फड़ कुशल न दिखला कमर साहब कहो तुम्हारी मौसी के पेट में दर्द है हाँ और तुमको बुलाया है वो भी रात के समय मेहताब जब एक माँ अपने पुत्र को बुलाती है तो ना दिन देखा जाता है ना रात देखी जाती है मगर वो माँ नहीं है वो मामसी है वो मौसी है। सुनो सुना मैं तुम्हारी मौसी के बारे में कुछ बताता हूँ। जब हम और तुम मौसी जी के दर्शन करने के लिए गए तब हमने मौसी के चेहरे पर कुछ देखा था। क्या देखा था? बुरा ना मानना। बताइए तेरी मौसी की कथा सब सुनना
कल्याण वाल सुनो। सत समझ ले यार मेरे, अच्छा सत समझ ले यार मेरे, और मैं झूठ कहूँ ना बानी, अगर ना माने मेरी बात मिटा देगी तेरी वो नामो। कैसी बात है तेरी नाम जिसने सृष्टि को रचा है वही इसकी माया का पार नहीं पा सकता, तुम और हम तो कुछ भी नहीं है। क्यों महाकाल की माया बिधाता पार ना पाया, वो भी इसकी पार नहीं। हमन ने तुम यो डांटे हर भाई नार बेपीर, जिन्हने ब्याहिन केसर कांटे, तरिया के चरित के और पुरुष के भाग को कोई नहीं बांध सकता, कोई नहीं जान सकता। इसलिए मैं हम तुमको समझाते हैं कुमार साहब, मत जाओ, रात का समय है, और अगर तुम्हें मुझे तो कुछ बांधी बैंदी का चेहरा तुमने देखा नहीं, क्या देखा? अगर बांदी की रानी महारानी बीमार होती तो बांदी के चेहरे पर क्या मुस्कान आती? वो हंसती हंसती क्या कह रही है? मेरी बात सुनो, तुम क्या कहना चाहते हो? बेशक हो मौजूद भार पितर मेरे गम ख्वार, मौसी माँ ने बुलाया है, बिल्कुल उन्हों की तबीयत घबरा रही है, तो बांदी को बुला, बांदी इधर आओ, पूछो सच कहो, महारानी बीमार है? महारानी बीमार है और कुंवर साहब को बुलाया है, ये बताइए महाराज को क्यों नहीं बुलाया? महाराज भी तो घर पे ही है, महलों में महाराज भी तो हैं। भगत जी मैं पूछूं, अच्छा तुम पूछो, इधर आ, क्या है इधर आ,